हेलो हेलो, अरे एक मिनट में मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू है। हेलो, आ रहा है क्या आवाज? हेलो, हेलो, अभी मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। तो आज हम देखेंगे सेसेस यूनिट्स को, हम देखेंगे ओके। जो हमने अब तक लेंथ हम दे रहे थे, विड्थ और लेंथ जो हम दे रहे थे यहाँ पे, तो उसके जो यूनिट्स है उसको हम देखेंगे ओके। तो यहाँ पे फिलहाल मैं दो ड्यू ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ड्यू ले लेता हूँ, ड्यू। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जो लिख देता हूँ, सपोज दिस इज फर्स्ट ड्यूटा ओके। कुछ तो मैसेज मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और सेम ऐसा ही मैं क्या करता हूँ, दूसरा ड्यू भी लेता हूँ जिसमें कुछ मैसेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आपको जो देना है आप दे सकते हो, कुछ अगर आपको अलग देना है तो वो दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक दो टैक्स लिए हैं, एक ड्यू के अंदर ड्यू टैग है ओके, इतना ही लिखा है। और उससे मैं एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, और इन दोनों को मैं सीएसएस का क्लास लगा देता हूँ, क्लास ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज ड्यू वन, और यहाँ पे क्लास लिखता हूँ क्लास इज इक्वल टू ड्यू टू। ठीक है, दो क्लासेस मैंने यहाँ पे लिए हैं, सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया ओके। हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लेंथ यहाँ पे यूज करेंगे ओके। तो सीएसएस यूनिट में दो तरीके के लेंथ रहती है, तो एक है एब्सोल्यूट और दूसरा है रिलेटिव ओके। दो तरीके के रहते हैं, तो पहले हम एब्सोल्यूट को देखते हैं, जो मोस्टली हम प्रिंटिंग के लिए मोस्टली यूज करते हैं। इसमें से खाली हम पिक्सल को हम यूज करते हैं सीएसएस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पिक्सल तो अभी हमने देखा है ओके। जो पिक्सल है वो एब्सोल्यूट से आता है, और जो परसेंटेज है वो रिलेटिव सेक्शन से आता है ओके। दो टाइप है यहाँ पे, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ओके। तो हमने इन दोनों को पहले भी इसका इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली अभी हम देखेंगे सेंटीमीटर ओके। जैसे कि हमने अभी तक पिक्सल में दिया था, तो आप सेंटीमीटर, इंच इसमें भी दे सकते हो, पॉइंट ओके, पाइकस इसमें दे सकते हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्लास लिखता हूँ मैं ड्यू वन ओके। और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट ड्यू टू, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम एब्सोल्यूट से यूज करेंगे सेंटीमीटर में ओके। यानी फॉन्ट साइज जो है अभी हम उसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर में देंगे ओके। फॉन्ट हाइफन साइज ओके देन कोलन, यहाँ पे मैं देता हूँ कि 1.5 सेंटीमीटर का क्या हो मेरा फॉन्ट साइज है, ठीक है, सेमी कोलन। और उसका स्टाइल जो है वो बोल्ड, फॉन्ट हाइफन स्टाइल बोल्ड। सेव किया, रिफ्रेश किया, देखो अभी ये कितने का है, 1.5 सेंटीमीटर का है। मैंने जूम किया इसलिए ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ये कितने हो गया है, 1.5 सेंटीमीटर का हो गया है, और बोल्ड हमने इसको दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सेंटीमीटर इसका इस्तेमाल किया है ओके।
और इसको मैं कम कर देता हूँ, यही फंक्शनलिटी, यही जो टैग है मैं यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ। ओके, तो मैं इसको कर देता हूँ 0.5। ओके, 0.5 सेंटीमीटर का मैं इसको दिखा देता हूँ, और लाइन का हाइट जो है, ओके, उसको भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो इसको भी थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं लाइन हाइफन हाइट। ओके, कोलन 0.5 सेंटीमीटर। ओके, सेव किया, और यहाँ पे देखो चेंजेस क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको हाइट कम दिख रही है अभी इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे लाइन हाइट दे देता हूँ 1.5 दे देता हूँ, सेव, देखो स्पेस छूट गया। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, 0.5 का इसको हमने क्या दिया है, फॉन्ट साइज दिया है, यह इसको कितना दिया है 1.2 सेंटीमीटर, इसको हमने क्या दिया है 1.2 सेंटीमीटर, और दोनों में जो गैप है, दोनों लाइंस में जो गैप है वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर का गैप है। क्लियर सेंटीमीटर? हेलो, यस यस सर। ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। देन इसकी जगह आप एमएम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, और इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ टॉप। इसको कमेंट कर देता, इसको नीचे पीछे रखता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम यूज करेंगे एमएम। ओके, तो 1 mm यानी कितना, किसी को पता है? यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज 12 mm। ओके, और यहाँ पे भी दे देता हूँ मैं 5 mm, और यहाँ पे भी दे देता हूँ 1 mm। ओके, और स्टाइल को ऐसे ही देता हूँ। तो एक आपका 1, इसको ऊपर रखना पड़ेगा इसके अंदर, कट पेस्ट। ओके, तो आपका 1 mm इज इक्वल टू मीन्स कितना है आपका, इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ओके, यानी क्या हो गया, सेंटीमीटर, हम जो 1 सेंटीमीटर लिखते हैं, देखते हैं उसका कितना पार्ट है, ये खाली 0.1। ओके, तो सेव किया मैंने इसको, और अभी इसको भी चेंजेस हम देखते हैं यहाँ पे, देखो क्योंकि मैंने हाइट यहाँ पे क्या रखा है 1 mm। ओके, जो हमारे स्केल में रहता है, स्केल देखी है सब लोगों ने बचपन में, हमने यूज की है स्कूल में स्केल, जिसपे हमें सेंटीमीटर में हम लेते थे, सेंटीमीटर mm, उस पे mm और सेंटीमीटर और इंच, ये तीनों रहते हैं। नीचे के साइड में इंच रहता है, और ऊपर सेंटीमीटर और mm रहता है। ओके, वन यस एम सर, एम मीन्स 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका mm। तो आप mm भी यहाँ पे दे सकते हो, जैसे हम पिक्सल हमने यूज किया था, परसेंटेज हमने यूज किया था, वैसे ही आप यहाँ पे mm सेंटीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो, mm का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। देन हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, देन इसके बाद हम यहाँ पे अभी इस्तेमाल करते हैं इंच। ओके, तो 1 इंच के अंदर कितने होते हैं आपके, यहाँ पे आपके पिक्सल्स होते हैं, अभी आपके स्क्रीन का 1 इंच मीन्स उसके अंदर रहेंगे 96 पिक्सल, उसके अंदर रहते हैं। ओके, 1 इंच में कितने रहते हैं, 96 पिक्सल उसके अंदर रहते हैं। ओके, इक्वल टू सेंटीमीटर में अगर आप देखोगे तो वो 2.5 रहेगा, 2.54 सेंटीमीटर इतना रहता है। ओके, ये सारा क्या हो गया, इक्वल। ओके, यानी 1 इंच का साइज कितना है, 96 पिक्सल जितना रहता है, ठीक है। तो मैं इसको भी कमेंट करता हूँ, कट, यहाँ तक इसको कमेंट किया मैंने,
यहाँ पे डैश लगाता हूँ, यानी आपको समझ में आएगा कि ये नया है। वैसे भी ये कमेंट के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा हमें। और यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ही कॉपी करके इसको एमएम की जगह इंच दे देता हूँ। ओके, जो यूनिट है उसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा फॉन्ट साइज है वो 3 या फिर 5 इंच, आपको जितना देना है आप दे सकते हो, 3 इंच का हो। ओके, जो नीचे वाला जो है वो 1 इंच का हो, टेक्स्ट डू टू में जो है, और जो आपका लाइन है इसको 2 कर देता हूँ और इसको 5 कर देता हूँ। ओके, लाइन जो है वो 1 इंच का। ठीक है, सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखो ओके, तो अभी 5 इंच कितना बड़ा हो गया, आपके मोबाइल के स्क्रीन इतना बड़ा, 6 इंच का हमारा मोबाइल रहता है ना, तो उतना बड़ा उसका क्या होगा, साइज हो गया इस टी का, मैंने उसको कम किया है। ठीक है, दिखाने के लिए। ओके, तो आप इंच में भी दे सकते हो साइज। क्लियर है यहाँ पे? हेलो, यस सर। ठीक है, इंच में भी आप यहाँ पे दे सकते हो साइज इसको फोन को। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारा यूनिट है पॉइंट। पॉइंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 1 पॉइंट्स मीन्स 1 PT पॉइंट। ओके, 1 पॉइंट्स मीन्स आपका 1.33 पिक्सल। ओके, कितना इक्वल है वो, 1 पॉइंट्स मीन्स कितना, 1.33। ओके, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दिया हूँ। ओके, कॉपी। ठीक है, तो अभी हम इसको इंच में दिए थे, अभी हम इसको देंगे पॉइंट में वैल्यू। ठीक है, पॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे। कॉपी। ओके, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज 25 पॉइंट। ओके, बोल्ड रहे। उसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ सपोज 15 15 पॉइंट, और जो इंच को नहीं पॉइंट, और जो आपका लाइन है वो रहे आपका 5 पॉइंट का। सेव। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं हम लोग। यहाँ पे पॉइंट मैंने अभी वैल्यू दी है, देखो ओके, दिख रहा है चेंजेस। इसको बढ़ाता हूँ 10 पॉइंट, ये दे देता हूँ 15। ठीक है, सेव। ठीक है, ये हमने दे दिया पॉइंट में। ओके, 1 पॉइंट मीन्स कितना आपका, 1.3 पिक्सल। ओके, क्लियर है? नहीं है, ये समझ में आ रहा है ना? पिक्सल अभी आपको पता है 1 पिक्सल यानी कितना। ठीक है, देन इसके बाद इसी पॉइंट से आप पाइकस बना सकते हो। ओके, तो मैं इसको कट करता हूँ और नीचे ओके, तो 1 पाइकस इज इक्वल टू 12 पॉइंट। ओके, 12 पॉइंट का 1 पाइकस बनता है। ठीक है, 12 पॉइंट का कितना बनता है, 1 पाइकस आपका बनता है। ठीक है, तो इसको भी हम पाइकस में वैल्यू देते हैं पी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज 25 है, तो इसको दे देता हूँ 3 पिक्सल, 3 PC, 3 पाइकस। और यहाँ पे दे देता हूँ
1.5 पाइकस, ओके जो लाइन है मेरा उसको दे देता हूँ 2 पाइकस, 2 पाइकस, ठीक है सेव। और अभी हम चेंजेस देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, देखो बड़ा क्या पॉइंट से ऊपर है आपका पाइकस, ओके तो पाइकस में हमने यहाँ पे वैल्यू दी है इसको, ठीक है। तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके एब्सोल्यूट के यूनिट्स, ओके अभी हम रिलेटिव के यूनिट्स देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ, सर्च वर्ल्ड इंफॉर्मेशन पी टैग को क्लोज कर दिया, कैसे ठीक है। अभी देखो इसको डिफॉल्ट साइज जो है वो आपको विजिबल हो रही है, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे पी टैग को भी, हम अभी रिलेटिव क्या देंगे यहाँ से हम देंगे रिलेटिव यूनिट्स हम यहाँ से पास करेंगे, ठीक है यूनिट्स हम यहाँ से दिखाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा तो इनमें से इन सेंटीमीटर और जो एमएम है ओके मिलीमीटर वो हमें पता था, बट पाइकस और पॉइंट के बारे में नहीं पता था, ये नया चीज़ था हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें रहेंगी जो आपके लिए नई होंगी, ओके खाली हम रिलेटिव से किसको जानते हैं, परसेंटेज को जानते हैं, ओके परसेंटेज को, क्योंकि हमने इसको भी पहले इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट फॉन्ट हाइफन साइज, ओके फॉन्ट साइज इसको दे देता हूँ मैं सपोज पिक्सल में दे देता हूँ पिक्सल, ओके और जो विड्थ है और एक पैराग्राफ ले देता हूँ यहाँ पे, इसे टेक्स्ट को कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया, ठीक है सेव। ठीक है तो 15 पिक्सल का इसको अभी फॉन्ट साइज अप्लाई है, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक इलेमेंट हम इस्तेमाल करेंगे, इलेमेंट साइज हम यहाँ पे देंगे लाइन हाइफन हाइट, ओके हाइट दोनों लाइंस के बीच में कितना हाइट है, ठीक है इन दोनों के बीच में कितना हाइट हो, ये डिफॉल्ट अभी ले रहा है, मुझे इसको देना है। अगर आपको जो आपका प्रेजेंट है ओके आपका जो फॉन्ट साइज है उससे 2 टाइम्स लार्जर, ओके यानी इससे दुगना अगर आपको देना है तब आप इलेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 2 em, ओके इलेमेंट्स, ओके इलेमेंट्स मैंने दे दिया 2 elements, ओके तो सेव करूंगा मैं इसको, देखो इसके अंदर स्पेस उतना छूट गया, दोनों के बीच में क्या छूट गया, स्पेस उतना छूट गया। अगर मैं इसको 30 कर दूं या फिर 25 कर दूं तो देखो नीचे भी उसका जो लाइन स्पेसिंग है वो भी बढ़ जाएगा, देखो बड़ा क्या बढ़ रहा है, ओके तो यानी क्या होगा कि आपका जो फॉन्ट साइज है ये डिपेंड ऑन योर फॉन्ट साइज, ओके आपका जो फॉन्ट साइज है उसका इंटू टू, फॉन्ट साइज हमारा कितना है 20 पिक्सल है, ओके इंटू टू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 em, ओके 2 क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि 2 em मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके तो उसका दुगना ये दिखाएगा, ओके 2 टाइम्स लार्जर अगर आपको उससे चाहिए होगा तो 2 em से यहाँ पे यूज कर सकते हो, ले रहे क्या
टू टाइम्स साइज ऑफ करंट फॉन्ट, ओके, उसके दुगना आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट का। देन इसके अभी नेक्स्ट है आपका हाइट के लिए है यहाँ पे एलिमेंट एक्स एक्स एक्सिस, ओके। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कट किया मैंने इसको, ओके। तो हाइट कैलकुलेशन के लिए आपके पास है एलिमेंट एक्सिस, ओके, ई एक्स। इट्स ऑल्सो रिलेटिव टू द करंट फॉन्ट, ओके, करंट फॉन्ट से ये भी रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको स्पैन टैग दे देता हूँ, स्पैन टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ वीडियो, इस इमेज स्टॉप स्पैन टैग, ठीक है। तो स्पैन टैग मैंने इसको दे दिया सेव, कमेंट किया है मैंने इसको। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फिर से पी टैग लूंगा और उसके अंदर पैराग्राफ टैग के अंदर मैं दूंगा यहाँ पे फॉन्ट साइज, फिर से मैं दूंगा फॉन्ट हाइफन साइज, ओके। यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज 30 पिक्सल उसका साइज मैं दे देता हूँ, ओके। और जो स्पैन टैग है, स्पैन टैग इसको मैं देता हूँ फॉन्ट साइज साइज, ओके, बोला 1 ex, ओके, एलिमेंट एक्स एक्सिस, ओके, ये रिप्रेजेंट करता है आपके हाइट को, ओके, हाइट ऑफ द फॉन्ट, ओके। यानी ये क्या करता है, जैसे ये आपका क्या हो रहा था, दुगना हो रहा था, ओके, तो ये क्या है, उसका हाफ है, हाफ ऑफ 1 em, ये क्या है आपका हाफ ऑफ 1 em, इसका आधा है, ओके। चलो इसको चेक करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू टाइम्स टाइम्स ऑफ करंट करंट, ठीक है। सेव किया, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो देखो इसका आधा हो गया, क्या ये हो रहा है क्या, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हाफ ऑफ ई एम, ओके, तो ये क्या हो रहा है आपका आधा हो रहा है, ओके, ठीक है। तो ये आपका आधा हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट हम इसके अंदर यूनिट देखते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस के लिए था वैसे ही इसमें है, और सी एच करके है, ओके, यूनिकोड कैरेक्टर के लिए है सी एच, ओके। तो यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ और अलग लेता हूँ, कुछ इन्हीं को अलग लेता हूँ, ठीक है। तो बॉडी में मैं एक क्या करूंगा, एक पैराग्राफ दे देता हूँ और एक डू दे देता हूँ, कॉपी डू, ठीक है, सेव, रिफ्रेश, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारे पास है, ठीक है। तो इसको भी कमेंट कर लेता हूँ मैं सबसे पहले, कमेंट, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम,
CH, ओके, जो है आपके हाइट के लिए। ठीक है, तो बॉडी लिखता हूँ यहाँ पे, बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज क्या रहे, फॉन्ट हाइफन साइज, ओके, कोलन, सपोज 50 पिक्सल उसका साइज रहे। ठीक है, ओके, ये जो विड्थ है, ओके, जैसे ये हाइट के लिए था, ओके, एक्स, ऐसा ये विड्थ के लिए, ओके। अब हम जो यूज करने वाले CHD, ओके, ये डिपेंड करता है कि आपका फॉन्ट कौन सा है, आपके अलग अलग फॉन्ट्स पे इसका विड्थ जो है चेंज होता जाएगा, फॉन्ट फॉन्ट हाइफन साइज, कोलन, CH, ओके, CH, सेव, और यहाँ पे देखो देखो, ओके, तो 50 का जो है ये 50 का दिख रहा है, और ये जो है इसका जो साइज है वो हमारा 1 कैरेक्टर पर ही दिख रहा है। ओके, ये डिपेंड करता है आपका फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा का पूरा। यानी अगर आपका फॉन्ट यहाँ पे एरियल होगा, इन केस अगर आपका एरियल है तो उसका जो विड्थ है यानी वो 60 कैरेक्टर आज पर विड्थ लेता है। ओके, तो यानी ये ब्लॉक में देखने को इसको फॉन्ट साइज ले लेता हूँ, फॉन्ट एरिया सेव, ओके, इसमें स्पेस देखना, ओके, जो विड्थ है विड्थ को आपको देखना, सेव क्या है इसको देखो, कम हुआ क्या, थोड़ा एकदम हल्का सा कम हुआ, ओके, तो ये फॉन्ट के साइज के ऊपर है, यानी आप कौन सा फॉन्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो इसके ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई यूज कर लू, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर लू सेव क्या है इसको, रिफ्रेश, देखो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस बन गया क्या, ये डिपेंड करता है विड्थ इसका डिपेंड करता है आपके फॉन्ट पे। ठीक है, इसके बाद है रूट एलिमेंट, ओके, जो हमने EM यूज किया था, ईएम का भी उसके हमने ये वाला, ओके, तो वैसा ही हमारे पास क्या है, REM, ओके, रेंग, ओके, रूट इलेवेंट। तो यहाँ पे हम रूट इलेवेंट का इस्तेमाल करते हैं अभी नेक्स्ट यूनिट का, तो इसी को देखो, इतने यूनिट्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, और भी हम यूनिट्स देख रहे हैं और भी अभी, ओके, तो पिक्सल जो है इसको पिक्सल के जगह में दे देता हूँ 4 रैम, ओके, रैम मीन्स रूट एलिमेंट, ओके, फॉन्ट साइज की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और जो इसका साइज है ये दे देता हूँ मैं 1.6 रैम, सेव किया मैंने इसको, रिफ्रेश, देखो, ओके, ये 1.6 है और ये कितना है हमारा 4, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या है कि आपके ये जो रूट एलिमेंट है ये क्या करता है, बेस्ड ऑन फॉन्ट साइज, ओके, ब्राउजर बेस्ड ऑन फॉन्ट साइज के आपको रेजोल्यूशन दिखाता है, ओके, यानी डिफॉल्ट समझ लो कि आपने 16 पिक्सल यहाँ पे दिया है, ओके, 16 अगर आप दोगे तो वो 16 × 1.25 डिवाइड करेगा, उसको इंटू करेगा, यानी अगर आपने यहाँ पे
अगर आपने पिक्सल में वैल्यू दी है 16 पिक्सल, ओके, तो हर एक पिक्सल को हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 1.25 ऐसा करेंगे। तो ये क्या करेगा, उसको 16 पिक्सल की जगह आपको ये साइज आपको दिखाएगा, 20 पिक्सल का साइज ये आपको दिखाएगा रूट एलिमेंट। ओके, यानी जितना भी आप यहाँ पे क्या करो, जितना भी पिक्सल हो उसको क्या करो मल्टीप्लाई बाय 1.2। ओके, और जो आएगा वो आपका रहेगा रैम का वैल्यू, यानी उतने पिक्सल का वो रैम आपको दिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद है हमारा विड्थ और हाइट, व्यू पॉइंट विड्थ और व्यू पॉइंट हाइट। तो मैं यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे दे देता हूँ, और हम नेक्स्ट यूनिट जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे मैं H1 दे देता हूँ, खाली H1 मुझे लेना पड़ेगा। ओके, वेलकम। ठीक है, सेव किया मैंने इसको और यहीं पे डाल दिया। ठीक है, सेव। तो अभी हम इसको देखेंगे, देखो ये वेलकम वेलकम कैसे दिख रहा है। तो इसको हम H1 यहाँ पे लिखेंगे, H1 देने के बाद यहाँ पे इसको मैं फॉन्ट अगर दू, फॉन्ट साइज, फॉन्ट हाइफन साइज, ओके, मैं देता था सपोज 4VW। पहले हम विड्थ को देखते हैं, ठीक है, सेव किया इसको। ओके, विड्थ यानी ये आपके अक्ष पर आपके डिवाइस के हिसाब से ये उसका जो हाइट और विड्थ है वो एडजस्ट करेगा। ओके, देखो अभी मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो इससे कम नहीं हो रहा क्या, देखो फॉन्ट साइज बढ़ रहा है क्या, कम हो रहा है? हेलो हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या सबको? यस हाँ, तो यहाँ पे देखो ये आपके एच पर आपके डिवाइस का जो भी साइज रहेगा, वो आपका व्यू पॉइंट जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये हाइट और उसका जो विड्थ है वो एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, यस वैसे ही सेकंड है यहाँ पे, यहाँ पे VH अगर मैं इस्तेमाल करूँ, इसको कमेंट कर दूँ, नेक्स्ट है इसमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज को डन, यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज 20 VH, ओके, हाइट। अभी मैं यहाँ पे हाइट दे रहा हूँ, ठीक है, रिफ्रेश, देखो, ओके, अभी ये हाइट से एडजस्ट कर रहा हेलो, ये देखा क्या आपने हाइट का? ओके, जैसे मैं इसका कम करता हूँ तो इसका जो टेक्स्ट का साइज है वो कम हो जाता है, जैसे मैं बढ़ाता हूँ विड्थ तो वो बढ़ जाता है, हो रहा है? ओके, मीन्स आपके डिवाइस का जितना हाइट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, उसका हाइट जो है वो मेंटेन करेगा, वो अरेंज कर देगा। ओके, तो अभी क्लियर है ये व्यूपोर्ट विड्थ और व्यूपोर्ट हाइट। हेलो, यस सर हाँ, तो इसमें से ओके ये इतने यूनिट्स हैं, ओके, तो इतने यूनिट्स में से खाली रिकमेंडेड 3 है जो आप CSS में मोस्टली यूज करोगे। तो यहाँ पे रिकमेंडेड है CS में, ओके, फॉर स्क्रीन के लिए, मीन्स स्क्रीन के लिए, डिस्प्ले के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो पिक्सल, पहला पिक्सल, दूसरा परसेंटेज आप ले सकते हो परसेंटेज, और तीसरा आप यूज कर सकते हो रैम। ठीक है, इन तीनों का आप इस्तेमाल कर सकते हो CSS के लिए, ओके, फॉर स्क्रीन के लिए, ओके, इन यूनिट्स में से फॉर ऑन स्क्रीन, ओके, स्क्रीन के लिए ये रिकमेंडेड है, ओके, स्क्रीन के लिए ये रिकमेंडेड है। और बाकी के जो लोग हैं, बाकी के जो यूनिट्स हैं
वो सारे के सारे आप प्रिंटिंग लेआउट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अभी प्रिंटिंग यानी आपका डिवाइस अलग अलग रहता है, ओके। तो जैसे कि प्रिंटिंग लेआउट मीन्स आपको कोई प्रिंट करना है तब आप इसका इस्तेमाल करोगे हर एक का। जैसे कि इंच है तो इंच का इस्तेमाल मैं जब बैनर अगर प्रिंट करना रहा तो ही करूँगा क्या, बैनर पे अगर कुछ दिखाना है तो मुझे। हेलो, बैनर बड़ा रहता है ना। यस सर, हाँ, तो वो जो बाकी के जो सब है, इन तीनों को छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के बाकी के जितने भी हमने यूनिट्स देखे हैं वो सारे आपके प्रिंटिंग लेआउट के लिए। सर ओके, ये प्रिंटिंग, VW और VH भी यूज होता हो सकता है ना हाँ हो सकता है, बट ये मोस्टली रिकमेंड करते हैं। सर? कभी मोबाइल पे ऑन और किसी का लैपटॉप का स्क्रीन छोटा रहता है बड़ा रहता है? हाँ कर सकते हो, बट मोस्टली मैं बोल रहा हूँ कि रिकमेंडेड कौन से करते हैं तो ये तीनों है। ऐसा नहीं कि ओके आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कर सकते हो। ठीक है। स्क्रीन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो और प्रिंटिंग के लिए आप बाकी के इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यस तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, एक मिनट में इसके अंदर भी लाइंस डाल देता हूँ, आपको समझ में आएगा कौन सा पार्ट कितना है। यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसका डिलीट वो अपना स्टार्ट करा है, देन किया ठीक है। ये हो गए यूनिट्स, ओके। लेना है क्या इसका स्क्रीनशॉट? हेलो, यस सर। ये हो गया क्या फर्स्ट? तो उसके बाद हमने इंच तक देखा था, सेंटीमीटर में, और उसको आप मिलते हैं पिक्सल पॉइंट। ये है आपका पॉइंट, पॉइंट पाइकस, लिया क्या इसका स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट वन, लास्ट लाइन है, ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये ठीक है, यस उसके बाद नीचे वाला भी ले लो।
टेक्स्ट हुआ ठीक है, सेव करेंगे इसको और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ओके ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं आगे, हम एक टेबल को हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। ओके बेसिक स्टाइल हम आज फिलहाल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं टेबल लेता हूँ, टेबल टेबल को क्लोज कर दिया और इसके अंदर में लेता हूँ टी आर। ओके टी आर टेबल रो को क्लोज कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं देता हूँ सपोर्ट्स सपोर्ट्स आईडी क्लोज किया। कुछ दो तीन कॉलम्स में आकर बना लेता हूँ, देन नेम मोबाइल नंबर देन सिटी। ठीक है ऐसे कुछ मैंने कॉलम्स लिए हैं यहाँ पे, रोल नंबर की जगह मैं आईडी भी दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है आईडी, देन इसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे एक बेसिक डेटा। ओके यार मैंने फिर से लिया टेबल रो, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा टीडी। ओके टेबल डेटा में बहुत कॉल क्या हुआ? कर क्या टेबल टेबल डेटा में मैं कुछ डेटा यहाँ पे ले लेता हूँ। तो जैसे कि मेरा 101 ये रोल नंबर हो गया, सपोज अजय, और यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ कुछ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिटी सपोज पुणे। ठीक है तो मैं यहाँ पे और दो तीन रो ले लेता हूँ टेबल में, यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है चार रिकॉर्ड में यहाँ पे ले रहा हूँ, 2, 3 एंड यहाँ पे ये वाला 4। सचिन तेजस अच्छा डेटा को हम देखते हैं सबसे पहले। ओके यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है तो इसको क्या करना है, हमें स्टाइल प्रोवाइड करना है। ओके सीएसएस में हमें क्या करना है, इसको स्टाइल प्रोवाइड करना है। ठीक है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सीएसएस लिखते हैं ऊपर,
इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सी एस एस। सपोज टेबल को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, टेबल, तो मैं टेबल के अंदर में लूंगा यहाँ पे सपोज मार्जिन में ले लेता हूँ, यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ सबसे पहले, तो मार्जिन 20 पिक्सल से, ओके टेबल हमने लिया, मार्जिन मैंने उसको लिया 20 पिक्सल, ओके देन इसके अंदर में दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैं आपको दिखाता हूँ पहले बैकग्राउंड कलर में इसको दे देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर सपोज है लाइटल से, देखना पड़ेगा तब आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो इसको मैं कम हटा देता हूँ, ओके, और यहाँ पे उसके बाद में टी डी टी आर टेबल, टेबल और देता हूँ टी आर को, इसको मैं बॉर्डर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो बॉर्डर कॉलम कहाँ से चाहिए हमें बॉर्डर, बॉटम से हम ले लेते हैं, बॉटम से हमें एक बॉर्डर चाहिए, तो 1 पिक्सल का लाइन हो, कैसा हो, सॉलिड हो, सॉलिड, ओके। देन कलर कौन सा होना चाहिए, तो ग्रे कलर, तो सा डार्क ग्रे, ठीक है। कुछ गलत लिखा है क्या मैंने स्पेलिंग, बॉर्डर बॉर्डर कलर्स से। देखो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है, कोलेप्स किया है, अगर मैं ये नहीं देता हूँ, ओके, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर को क्या देता हूँ, बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक है, से। तो ये जो लाइंस आपको दिख रही है बीच में टेबल के अंदर, हेलो, ये जो लाइंस आपको दिख रही है टेबल यस के, सर, हाँ, तो इस बॉर्डर को हटाने के लिए मैंने वहां पे यूज किया बॉर्डर कोलैप्स, ओके। इसको मुझे हटाना था, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस है इनको मुझे करना था, हटाना था, ओके। तो या यस इसके लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया था वाटर कोलैप्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कहाँ पे था वो, हमारा यहाँ से, ओके, बॉर्डर को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि हमने आपको बॉर्डर दिया था, ठीक है, से, ठीक है। और जो बॉटम से हमें जो देना था, एक लाइन हमने दिया है कि बॉटम में खाली एक लाइन है, तो लाइन आ चुका है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे कि सबको पैडिंग देंगे, थोड़ा सा स्पेस मुझे यहाँ पे चाहिए सबके बीच में, ओके। यहाँ पे देखो ये नंबर पुणे पास पास आ रहा है, 102 और सचिन पास पास आ रहा है, तो इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। तो टेबल टी आर हो या फिर यूएच हो या फिर आपका टी डी हो, सब में क्या हो, पैडिंग, पैडिंग हो, पैडिंग कॉलम, दस पिक्सल का पैडिंग से, ओके।
ठीक है ओके। इसको यहाँ पे देखो मैंने ग्रुप बनाया, एक टीएच का ग्रुप और एक टीडी का ग्रुप, ओके। एक ऐसा टीएच वाला और एक टीडी वाला, ऐसे दो ग्रुप बनाए मैंने और उनको पैडिंग दे दिया 10-10 का, ठीक है। ये हमारा टीडी वाला, दो एलिमेंट्स हमने लिखे, इसको पैडिंग दे दिया हमने। और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं, अभी इन केस अगर मुझे यहाँ पे कलर्स अलग अलग दिखाने, ओके कलर्स ऐसे मुझे दिखाने, यहाँ पे कुछ अलग कलर रहे, यहाँ पे कुछ अलग कलर रहे, ऐसा कुछ अगर आपको दिखाना है, जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम देखते हैं वहाँ पे भी रहता है, ठीक है, लेआउट रहता है ना वहाँ पे वर्ड में, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी आपने देखा होगा, ओके। वैसा अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे टेबल 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 10 TR, अभी अभी यहाँ पे हम ये क्लास सुडो क्लास इस्तेमाल करेंगे, nth चाइल्ड, ओके कौन सा nth हाइफ़न चाइल्ड, जैसे हमने देवबा पीछे देखे थे लिंकेज टाइम पे हमने देखे थे विजिट लिंक फोकस और ओके, वैसे ही ये भी एक क्या है सुडो क्लास है, ओके nth चाइल्ड। और इसके अंदर हम देते हैं उसका वैल्यू कि कौन से चाइल्ड को आपको क्या करना है कलर को ऐड करना है, और इसके बाद टीडी, ओके हर एक टीडी को लग जाए, इसलिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ थ्री कुछ, तो मैंने यहाँ पे दे दिया, ओके। तो nth नंबर को मैंने यहाँ पे नहीं दिया है, ओके यहाँ पे आप एक तो एक नंबर भी दे सकते हो, ओके देखो आया क्या सेकंड को दिख रहा है nth, अगर मैं लगा दूँ यहाँ पे th सेकंड, nth नंबर है ना यहाँ पे सेकंड्स, अभी नंबर को ही ले रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो आप किसी नंबर को अगर आप दिखाना चाहते हो तो नंबर को भी आप दे सकते हो, अगर आपको ईड इवन और ऑड पता है, हेलो यस हाँ, तो अगर आपको ऑड नंबर्स को देना है तो यहाँ पे ऑड लिख दीजिए डायरेक्टली और उसको अप्लाई करिए, देखो ऑड को ऑड जो भी ऑड है हमारे उनको अप्लाई हो जाएगा, उनको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बट कहाँ पे टी आर में, ओके जैसे कि वन को नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है टी डी लिखा है, ना कि टी एच है हमारा, यहाँ पे क्या है टी डी है, टी एच नहीं है। तो ये फर्स्ट रो, देन ये सेकंड, ये आपका थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, ओके। तो ये जो ऑड है उनको अप्लाई हुआ, अगर इवन करूंगा मैं तो सेकंड रो देन थर्ड रो को अप्लाई होगा, इवन सेव। देखो हुआ क्या, यानी इस टेबल में ये कितना रो है, रो नंबर क्या है इसका दो, ये पहला ये दूसरा, यानी ये सम है नंबर, ओके ये तीसरा ये चौथा और ये पांचवा, तो ये दोनों सम है यानी इवन इवन है तो उनको अप्लाई हो गया। तो देखा है कि आपने ऐसा रहता है, हेलो यस सर, ऐसे आप दे सकते हो इसको, nth चाइल्ड को भी आप दे सकते हो। देखो यहाँ पे TH दिया तो उसको भी अप्लाई होगा, मैं यहाँ पे कुछ अलग दे देता हूँ, ठीक है ऐसे आप दे सकते हो। ये किसी अगर आपको डायरेक्टली रो का नंबर देना है कि किस रो को अप्लाई करना है तो नंबर भी आप उसको दे सकते हो, या फिर ऑड और इवन भी वहां पे आप पास कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी किया था ऑड और इवन, जैसे कि यहाँ पे
इवन लिखा है हमने, तो इवन जो है उनको वो क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है सेकंड रो और फोर्थ रो। और दिया तो फर्स्ट, मीन्स फर्स्ट को तो टी एच है हमारा तो उसको नहीं होगा, देन थर्ड और फिफ्थ को होगा, ठीक है। तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले टेबल का ले लो देन उसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेबल का ले लो, लिया क्या? यस सर। ठीक है, उसके बाद आप ले लो सीसस का, इतना ही है यहाँ से यहाँ तक। लिया? यस ठीक है, इसके आगे काम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है तो आगे देखेंगे। चलो। सर।